ऐसे तो मैं सोशल मीडिया का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन आज मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं, एक पाकिस्तान की लेडी जो कनाडा में, जिसकी डेथ होती है 1978 में, उसका जन्म होता है 2021 में, उसकी डेथ होती है, ऐसा जीवन जी के जाती है जो जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा रूप बन सकता है। मैं भावी जयशाह, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी लेडी डॉक्टर की जिसका नाम है डॉक्टर नादिया चौधरी। ये लेडी को 2020 में कैंसर डायग्नाइज होता है और उसे पता चलता है कि मैं बहुत कम जीने वाली हूँ, और उसको विचार आता है कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करके जाना है जो मेरे मृत्यु को सार्थक कर दे। लास्ट स्टेज का कैंसर और वो जीना शुरू करती है। वो फंड रेज करती है ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पैसा नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं। वो ट्विटर पे एक अकाउंट खोलती है जो सोशल मीडिया ऐप है, और उस पर वो फंड रेजिंग के लिए लोगों को अपील करती है। वो अपने पर्सनल लाइफ शेयरिंग करती है, और वो जब शुरू करती है बहुत कम फॉलोअर्स होते हैं, और वो जब उसकी डेथ होती है 1,49,000 से ज़्यादा उसके ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। वो लेडी जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, हम सब ऐसा कहते हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुझे ऐसा जीवन जीना है कि आज का दिन भी मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत में मृत्यु सामने हो तब व्यक्ति ऐसा जीवन जिए जो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाए, उसको हम कह सकते हैं जीना इसी का नाम है। और वो जीवन जिया है नादिया चौधरी ने। एट द एज ऑफ 43 ये लेडी का डेथ होता है, लेकिन 11 मई 2021 जब उसका डायग्नाइज हुआ, उसके कुछ महीनों बाद वो ट्विटर पे लिखती है, मैं मेरे बेटे को आज बताने वाली हूँ कि मैं मृत्यु के बहुत नज़दीक हूँ। वो कहती है, मुझे आपकी प्रेयर की ज़रूरत है क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। और 12 मई को वो लिखती है कि आज मैं और मेरे बेटे बहुत रोए क्योंकि ये हम दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन हम दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी हमारे पास समय बहुत कम है। इसी के साथ वो बहुत सारे ट्वीट और भी डालती है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टची और मुझे जिसने हिला के रख दिया, 24 सितंबर 2021 को एक ट्वीट लिखती है जिसमें उसका खुद का एक वीडियो है 15 सेकंड का। वो हॉस्पिटल के बेड पे मृत्यु के एकदम नज़दीक होते हुए भी म्यूज़िक पे डांस करती है। सोचिए, जो लेडी बहुत जल्द मरने वाली है, और मैं आपको बता देता हूँ, 5 अक्टूबर 2021 यानी कि 11 दिन के अंदर 24 सितंबर को वो ट्वीट डालती है और 5 अक्टूबर को उसकी डेथ होती है। आप सोचिए, जिसके सर के बाल चले गए हैं, जो कीमोथेरेपी से जा रही है, जिसके शरीर में बहुत पेन है, जो मरने वाली है, वो हॉस्पिटल के बेड से डांस करती है। वो लोगों को एक मैसेज देके जाती है कि मरते मरते भी व्यक्ति जीके जा सकता है। मेरा हम सबको इन्विटेशन है कि हम सब ऐसा जीवन जी के जाए कि जो नादिया चौधरी की तरह सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स लीव द लाइफ वी लव। थैंक यू।